Assalamualaikum, welcome to Cook Like Ayesha YouTube channel. आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी से एग कॉइंस बिस्किट, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है. जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. तो चले हम बनाते हैं मजेदार से एग कॉइंस बिस्किट्स. एग कॉइंस बिस्किट्स बनाने के लिए हमें चीजें चाहिए, वो नोट कर लीजिए. एक कप है हमारे पास मैदा, प्लेन फ्लावर, 1/4 कप है मेरे पास शॉर्टनिंग या फिर बटर, जो भी हो आपके पास यूज कर लीजिएगा. 1/4 कप है घी. दोनों को मिलाकर 1/2 कप होना चाहिए. या तो आप 1/2 कप फुल बटर यूज कर लें, या 1/2 कप आप जमा हुआ घी यूज कर लें, या फिर आप 1/4 कप शॉर्टनिंग और 1/4 कप घी, दोनों को मिलाकर 1/2 कप कर लें. 1/4 कप है शुगर, यानी कि 1 कप से मैंने 1/4 कप जो है शुगर निकाल दिया है, तो ये हो गया मेरा 3/4 कप. 2 eggs, लेमन एसेंस 1/2 teaspoon या उससे भी कम, और फ्यू ड्रॉप्स हम यूज करेंगे येलो फूड कलर की. बहुत सिंपल सी और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बाउल में मक्खन को और चीनी को अच्छे से बीट करेंगे. अगर आप घी भी यूज करें तो घी को भी आप फ्रिज में रखकर थोड़ा सा हार्ड कर लीजिएगा, और अगर आराम से इसकी आप अल्टरनेट जो है बटर के अल्टरनेट आप जमा हुआ घी भी यूज कर सकते हैं. क्या होता है कि हमारे पास घर में बटर नहीं होता, तो लेडीज को प्रॉब्लम होती है हर रेसिपी में बटर के लिए, तो फिर वो अल्टरनेट में घी डालना चाहती हैं. तो घी आप जरूर यूज करें, पर घी आप फ्रिज में जमा हुआ यूज करें. पहले घी को मेल्ट करें और उसको पहले फ्रिज में रख दें, और जब वो जम जाएगा तो वो बाहर आप बिस्किट्स में यूज कर सकती हैं, केक्स में भी यूज कर सकती हैं. अब इसमें हम ऐड कर देते हैं चीनी. और चीनी को भी डालकर हम इसमें बीट करेंगे. किक करकर एग डालेंगे और इसको बीट करेंगे. तीन से चार मिनट तक अच्छे से बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 teaspoon जितना लेमन एसेंस. वनीला एसेंस यूज मत कीजिएगा, फिर उससे केक वाला टच आ जाता है. और हल्का सा येलो फूड कलर, बहुत अच्छा सा येलो एग कॉइन बिस्किट्स बनाने के लिए जरा सा येलो कलर डालना जरूरी है, तो इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है. ठीक है, इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं. That's it. बस हल्का सा हमने इसे मिक्स करना है. ठीक है, अब हम इसमें मैदा डालकर मैदे को भी मिक्स करेंगे. ये हमारा देखिए बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो चुका है. बिस्किट्स में शॉर्टनिंग इसलिए यूज करते हैं, बटर इसलिए यूज करते हैं, ताकि जो है उसका टेक्सचर जो है ना वो लिक्विडी ना हो. क्या होता है, घी या ऑयल जो है आपका बैटर जो है लिक्विडी कर देता है, इस वजह से ही हम इसमें बटर को प्रेफर करते हैं. अच्छे से जो है फ्लावर को डालने के बाद मिक्स करना है हमने, कि देखें इसकी इस तरह से जो है कंसिस्टेंसी होगी, बहुत ज्यादा फ्लोइंग भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगी. अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक पाइपिंग बैग और एक गिलास में इसको हम चढ़ा लेंगे, ताकि हम इजीली जो है इसको भर सकें.
मैंने दो बिस्किट की ट्रे ले ली है और उस पर बटर पेपर लगा दिया है। और आप देखें क्या करना है, मैंने कितना काटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं काटना वरना हैंडल करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और आपने इस तरह से दबाना है बस, बहुत ज्यादा मोटे नहीं बनाने हमने, फिर वो जो है एग क्वाइंस जो है बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं होते, तो इसीलिए हमने इसको इतना है बस। साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट क्वाइन साइज जो है एक बेज जो साइज होता है वो यही होता है, ठीक है। इस तरह से एक ही आपने हाथ का प्रेशर देते हुए इसको दबाना है और उठा लेना ऐसे। दोनों ट्रे पे मैंने जो है बिस्किट्स को निकाल दिया है, पाइप कर दिया है। अब जो है मैं पानी के हेल्प से उंगलियों में हल्का सा पानी लगाकर इसकी टिप्स को बिठा दूंगी। बहुत आसानी से ये टिप्स जो है इस तरह से हल्का सा हाथ पे पानी लगाकर और इस तरह से क्वाइंस की जो टिप्स हैं, जो नोक हैं ये ऊपर की इसके, ये आपने इसको फ्लैट कर देनी। बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा हाथ में पानी लगा, हल्का सा हाथ गीला करना है ताकि बस ये आपके फिंगर्स पे ना लगे, ठीक है। इस तरह से मैं जो है सारे बिस्किट्स की जो टिप्स हैं उनको बिठा दूंगी, ठीक है। और अब मैं इसे बेक करूंगी, प्री हीट ओवन है, 15 मिनट पहले मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्रीज पे। अब मैं इसे बेक करूंगी प्री हीट। देखिए टेम्परेचर कुछ वो नहीं मायने नहीं रखता, आप बस इसको फुल आग पे जो है प्री हीट कर लिया करें। किसी के लास्ट 350 होता है, किसी का 250 लास्ट होता है, किसी का है ना डिफरेंट होता है, बस आपने फुल पे जो है ना प्री हीट कर लेना ओवन को 10 मिनट जब भी रेसिपी आपने स्टार्ट करनी है। कुछ रेसिपी में हाँ ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा ओवन जो है टेम्परेचर में नहीं चाहिए होता, इस तरह लाइक मोरेंग है, इस तरह की चीजें हैं जिसमें हमें बिस्किट्स को या किसी भी चीज को डार्क ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना होता, तो उसमें हम स्पेशली बता देते हैं कि आपने प्री हीट जो है कम टेम्परेचर पे करना है, यानी कि 100 सबसे लो टेम्परेचर पे करना है। पर ये जो नॉर्मली हम केक्स वगैरह बनाते हैं इसमें जो है हम 250 पे प्री हीट कर लेते हैं, 250-300 पे। और बिस्किट्स को भी बट आप हल्की आंच में बनाएंगे तो ये अच्छे से खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। बहुत तेज आंच में क्या होता है, बिस्किट्स का कलर जल जाता है और वो अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। बिस्किट्स क्रंची और क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए इसको भी हल्की आंच पे 170 पे ही आपने बेक करना है 15-20 मिनट्स के लिए। तो अब मैं दोनों ट्रेस को जो है रख रही हूँ बेक होने के लिए। कम बैक, ये देखें बेक बिस्किट्स जो है हमारे बेक हो चुके हैं। एक को मैंने बिल्कुल लाइट कलर दिया है, बिल्कुल लाइट येलो जो है हमने, बिल्कुल ज्यादा इसको नहीं करना। वैसे बेसिकली इसका जो अच्छा कलर लगता है ना वो ये लगता है कि हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए साइड से और बीच में से बिल्कुल जो है इसका येलो कलर आता हो। जब ये ठंडे हो जाएंगे अच्छे से फिर आपने इसको बहुत इजीली जो है निकाल लेना है, बहुत इजीली ये इस तरह से निकल जाएंगे, ये देखें। अच्छा मुझे पर्सनली थोड़े से क्या है वो ज़्यादा ब्राउन से पसंद है, तो इस वजह से मैंने जो है अपने लिए इसको इस ट्रे को थोड़ा ज़्यादा बेक किया है, यानी कि इसको निकालने के बाद भी मैंने इसको 7-8 मिनट बेक किया है तो ये ब्राउन कलर के आए हैं। तो इसको भी, इन दोनों को मैं ठंडा करूँगी और फिर मैं इसको निकालूंगी। आज की हमारी रेसिपी एग क्वाइंस बिस्किट्स बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल बेकरी जैसे क्रिस्पी होते हैं और आपने इसका टेम्परेचर जो है हल्की आंच ही रखना है, हल्की आंच में बहुत ही अच्छे क्रिस्पी होते हैं
और जरूर चेक कर लिया करें 15 मिनट बाद कि आपके कुकीज के साइड से जो है पता चल जाता है कि आपके बिस्किट्स जो है नीचे से डन हो गए हैं या नहीं, कलर चेंज होने लगता है। तो ज़्यादा बेक होने से क्या होता है, नीचे से इसका डार्कर रंग आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है, बट लाइट ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है। और जो पतीले में बनाने वाले हैं वो भी इसको हल्की ही आंच पे, जिस तरह हम केक बेक करते हैं उससे भी हल्की आंच पे इसे बेक करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में मुझसे शेयर कीजिएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई करके भी मुझसे ज़रूर शेयर किया करें कि आपको ट्राई करने के बाद इसका क्या रिजल्ट मिला। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।